हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ही बुरी हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। मैं सुबह से ना घर के काम में ही लगी हुई हूँ। ये देखिए, शक्ल सूरत भी मैंने अभी संवारा नहीं है। सुबह चाय के अलावा ना मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। ये देखिए, बिस्तर उस्तर सारे मैंने ठीक ठाक किए, से खराब कर दिया था। चार चार तो इन्होंने कम्बल निकाल के रखा। अभी हालत खराब ही था, तो अभी मैंने सबको ठीक ठाक किया, बिस्तर उस्तर बनाए सारे से। अभी फिर भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। फिर मैंने किचन को संवारा। ये देखिए, किचन इतना गंदा था कि मन नहीं हो रहा था कुछ कर। देखो कितना तो क्लीन किया मैंने, देख रहे हैं? चकाचक कर दिया है। सारा स्लेब गंदा था, नीचे जरा सा भी जगह नहीं था। अब इस घर का हलवा ठुई हिलवा ठीक करना है। और इनके घर के सारे कपड़े देख रहे हैं, कितने लग रहा है, कितने महीनों से कपड़े इन लोगों ने ना धोए हैं और ना ही इन लोगों ने तय किया है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करते रहते हैं ये लोग। बहुत ही थक गई हूँ। अब लाइट आ गई है, जा रही पानी गर्म करके। पहले झाड़ू और पोछा कर लूँ, उसके बाद पानी गर्म करके फिर नहाऊंगी। और देख रहे, कंघी भी कुछ नहीं की हूँ, कंघी भी करूँगी, नहाऊंगी धोऊंगी। क्यों, ट्रेन में से जब से आई, कल तो बहुत सर दुख रहा था इसलिए कुछ कर नहीं पाई, आज की हूँ। ये बच्चे ना घर को फैला के बुरी हालत कर दिए हैं। मात्र 25 दिनों में घर को ऐसे बेहाल कर दिए, पूछिए मत। सारे कपड़े उपड़े धोने, कल संडे, तो मैं सोच रही कल संडे से पहले सारे काम कर लूँ, क्योंकि संडे को कोई ना कोई आ ही जाता है, तो कोई काम नहीं हो पाता है। भूख भी लगी है, ठंडी है। अगर खाना खा लूंगी तो फिर मुझे ठंड और ज़्यादा लगेगी, नींद आने लगेगी। तो मैं सोच रही झाड़ू पोछा करके नहा धो के फिर चाहे 4 बज जाए, 4 बजे ही खाना खाऊंगी। खाना बना लिया मैंने, दो दो बार खाना बनाना पड़ा। एक बार दाल रोटी सब्जी बनाई, अभी दाल चावल फिर से सब्जी बनाई। ठीक है, तो फिर चलते हैं नहा धो के, नहाने के लिए। तब तक इतना ही, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना।